थोड़ी देर पहले आतिशी जी प्रेस के सामने आकर अपने आप को सेल्फ सर्टिफिकेट देते हुए कह रही हैं कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं और वो तो ईमानदार लोग हैं। आतिशी जी ने एक रेफरेंस लिया है कोर्ट की ऑब्जर्वेशन का, तो मैं भी एक कोर्ट की रेफरेंस बता देता हूँ मनीष सिसोदिया जी के बारे में। मनीष सिसोदिया जी कौन है? प्राइम अक्यूज नंबर 1 है और अरविंद केजरीवाल के खास है, इसलिए अरविंद केजरीवाल साहब अब जरा गौर से सुनिएगा कि क्या ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल कोर्ट की। ऑनरेबल कोर्ट क्या कहता है कि सिसोदिया हैड प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द वाइटल रोल इन द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड हैड बीन डीपली इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन एज वेल एज इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेट पॉलिसी टू इंश्योर अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, एज पर द एलिगेशन मेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द एविडेंस कलेक्टेड इन सपोर्ट देयर ऑफ सो फार सिसोदिया कैन प्राइमा फेसी बी हेल्ड टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। प्राइम आर्किटेक्ट माना है ऑनरेबल कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में, इसलिए आपको कोर्ट की अगर विश्वास है तो आप इस स्टेटमेंट के बाद आप क्या कहेंगे इस पे आपकी बोलती बंद है अरविंद केजरीवाल साहब। इसलिए कोर्ट कन्विक्टेड करेगा या क्विट करेगा ये तो कोर्ट बताएगा, लेकिन अपने आप को सेल्फ ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट देना बंद करिए। अगर मानक है तो जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी को बोला गया है कि वो प्राइम एक्यूज हैं और कॉन्स्पिरेटर हैं, तो अभी तक आपने उन और आप चूंकि उनके साथ हैं और असली किंग पेन तो अरविंद केजरीवाल साहब आप हैं, आपकी भी जो जगह है वो जेल में बहुत जल्दी होने वाली है।